बच्चों, आज इस हिंदी की क्लास में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा एक काल्पनिक कहानी है। इसमें एक ओर तो लाला झाऊलाल है, जिनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है, और झाऊलाल अपनी इस पत्नी की मांग को किस तरीके से पूरा करते हैं और उस मांग को पूरा कर ने के लिए उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे इस समस्याओं को किस तरीके से हल करते हैं, इस कहानी में बताया गया है। दूसरी ओर इस कहानी के साथ साथ एक साधारण लोटे की कहानी भी साथ साथ चलती है, जो विशेष रूप से अकबरी लोटा बन जाता है, जिसे एक अंग्रेज पुरानी व ऐतिहासिक वस्तु मानकर ऊंचे दामों में खरीद लेता है। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर बहुत मजा आएगा, तो आओ हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। तो सब लोग देखो, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक समय आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। तो यहाँ पर जो झाऊलाल है, वो उसे खाने पीने की कमी नहीं थी और उसका 3 मंजिले का मकान काशी के ठठेरी बाजार पे था। तो ऊपर के मकान में वो रहता था और नीचे कुछ दुकानें बना के रखी थी, जिससे उसे महीने में 100 रुपया किराया मिल जाता था, तो जिसके कारण उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होती थी। पर 250 रुपये तो एक साथ देखने के लिए उन्हें कभी नहीं मिलते थे। तो उस समय क्या था, जो पैसे का जो मूल्य था वो बहुत ज़्यादा था। तो आजकल अगर 250 रुपये बोले तो वो बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार के समान होगा। तो इसीलिए क्या था कि जो 100 रुपये जो मिलता था, जैसे उनका वो पूरा अच्छे से उनका खाना पीना हो जाता था, रह लेते थे आराम से, कि तो 250 रुपये एक साथ देखने को उन्हें कभी नहीं मिलते थे, बहुत कम होता था। तो अब आगे देखो, इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो क्या हुआ, एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक उन्हें 250 रुपये की मांग कर दी। उन्हें किसी काम की ज़रूरत थी, काम के लिए ज़रूरत थी, तो उन्होंने झाऊलाल से मांगा। तो जब उन्होंने अचानक 250 रुपये की बात सुनी, तो वो एक बार तो ज़ोर से वो डर गए, घबरा गए, घबराहट के मारे वो मतलब बैठ ही गया। तो जब उनकी ये दशा देखी कि वो तो घबरा गए, तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप कहते तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तब लाला झाऊलाल को बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तब उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी पर बड़े रौब झाड़ते बोला कि हटो, 250 रुपये के लिए अपने भाई से मांगने की क्या ज़रूरत है, तो मुझसे ही ले लेना। तब उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उनकी पत्नी जानती थी कि शायद उनके पति ना दे सके, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में वो 250 रुपये चाहिए। तब झाऊलाल ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। फिर उनकी पत्नी ने कहा, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तब उनकी पत्नी ने पूछा कि सप्ताह से आपका 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? तब झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो फिर इसके बाद झाऊलाल ने पत्नी से बड़े रौब के साथ कहा कि आज का दिन से तुम 7वां दिन गिनो और 7वें दिन आके तुम उसे 250 रुपये ले जाना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। तो 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए, और जैसे ही 4 दिन बीते, तब झाऊलाल को क्या हुआ, देखा कि अरे कोई पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तब उन्हें चिंता होने लगी। और साथ साथ में उनका ये भी मन में आ रहा था कि अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि मैंने तो बड़े रौब के साथ कहा था कि इस आज से 7वें दिन तुम उसे ले जाना। और एक घर के एक विश्वास साख, मतलब विश्वास की बात कही है कि घर में आपसी लोगों के बीच एक विश्वास भी है, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत ही जोर दे के कहा था कि तुम उसे 7वें दिन ले आए, तो वो विश्वास उनकी पत्नी के मन में जो था वो भी नहीं टूटना चाहिए। तो देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी। अब वो झाऊलाल जब वो सोच रहे कि मैंने तो देने का पक्का वादा कर दिया था, अगर मैं ना दे सकूँ तो उनकी पत्नी उनके बारे में, उनके मन में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा,
अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुकी थी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो अब जो झावलाल है वो कभी कभी क्या करते कि अपने बढ़ा चढ़ा कर वो अपनी बातों को बोलते थे। कभी कोई उनकी अगर तारीफ कर देता था तो वो अपनी पत्नी को आके उस बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने सुना के रखी थी, अपनी ज़ुबान की हो या अपने काम की हो। तो आज जब उनकी पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है तो वो अगर उसको नहीं दे सके तो क्या होगा। तो ये सब मतलब वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो ये सब बातें उसके मन में चलती रही। खैर एक दिन और बीता। पांचवें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी की भी उस समय बिल्कुल खुफ थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब क्या हुआ, तीन चार दिन तो बीत गए थे। अब पांचवें दिन क्या हुआ, अब जो झावला था वो थोड़ा घबराने लगे कि पांचवा दिन आ गया, अभी दो दिन के बाद तो पैसे देने हैं, तो वो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र से बात की और उनको अपनी सारी समस्या सुनाई। तो झावलाल का भी जो भाग्य था वो इतना बिगड़ा हुआ था कि उसके मित्र के पास भी उस समय पैसा नहीं था, वो भी खाली थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, पर तुम मेरे मित्र हो, मैं कहीं से भी मांग कर उधारी कर भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पैसे कल शाम तक दे दूंगा। अगर मुझे पैसे मिल गए तो मैं शाम को तुम्हारे घर आके तुमको पैसा दे दूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन मतलब छठा दिन, कल देना है पैसे। तो वो शाम जिस शाम को बिलवासी जी पैसा देने वाले थे वो शाम आ गई। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी खेकड़ी से हाथ धोना है। अब वो सोचने लगी, या तो पैसे मिल गए तो मैं गिन कर अपनी पत्नी के हाथ में दूंगा, या फिर जो मैंने रौब झाड़ के जो बातें की थी वो सब मेरा बेकार जाएगा। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झावलाल में मड़ोर पैदा हो जाती है। तो ये बात भी एक सच थी कि अगर झावलाल अपनी पत्नी को पैसा ना दे सका तो उनकी पत्नी उन्हें कोई भी ऐसा पनिशमेंट नहीं देगी, उन्हें कहीं देश बाहर निकालने देगी या घर से निकाल देगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस खाली हल्की सी हंसी देगी। और वो हंसी की कल्पना करके ही, जो एक इंसल्टिंग हंसी, तो उस हंसी की बात सोचकर ही क्या हुआ, जो झावलाल है उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके, तब झावलाल के मन में ये सब बातें आ रही है, उनके पेट में दर्द आ रहा है। तो और वो सोच रहे हैं कि आज तो बिलवासी को आना है, अगर वो नहीं आए और आए भी तो अगर उनके हाथ पे पैसा ना हो, पैसों का प्रबंध ना कर सके, तब क्या होगा। इसी उधेड़ बुन पे में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो वो इतने घबराए हुए थे, उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा, कल देना ही है पैसे, अभी शाम हो गई। तो ये करके वो क्या हुआ, छत पे टहल रहे थे और तभी उन्हें थोड़ी सी प्यास लगी और उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। तो नौकर नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी क्या हुआ, जल्दी जल्दी पानी ले आई। वो पानी तो ज़रूर लाई पर ग्लास लाना भूल गई, केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई। तो जब झावलाल जी जिस तरीके से आवाज़ दी, परेशान भी था, तो उसकी पत्नी ने देखा कि नौकर नहीं है, तो वो भी फटाफट क्या हुआ, दौड़ कर पानी लोटे में ले आई और वो ग्लास लाना भूल गई। तो फिर लोटा भी संयोग से वो, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था, अब उसकी पत्नी भी लोटे में पानी लाई तो लाई, उस लोटे में लाई जो लोटा झावलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। था तो नया, साल दो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिल्लम रही हो। और उसकी जो सूरत थी, वो जो देखने में जो लोटा था वो बहुत ही बेढंगी था, बड़े ही अजीब सा था, इसीलिए झावलाल को पसंद नहीं था। किंतु वो नया लोटा था, अभी साल दो साल में ही बना होगा शायद, किंतु उसका जो बनावट थी, उसकी जो बनावट थी वो बहुत ही बेकार सी थी। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जो लोटे का जो बाप होगा वो डमरू की तरह मोटा होगा और जो माँ होगी एकदम पतली चिल्लम की तरह पतली सी होगी,
तो मतलब उसकी जो गर्दन थी वो लंबी सी और उसका जो नीचे का हिस्सा था वो बड़ा मोटा सा था। तो इसको देख के मतलब जो झावलाल था वो हमेशा गुस्सा ही हो जाता था। तो उसको से देखा, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। तो मन में इतनी सारी चिंताएं तो चल ही रही थी, लोटा देख के वो गुस्सा तो हुए नहीं कि तो कुछ बोले नहीं, गुस्सा तो हुए अंदर ही अंदर कि तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे और मानना ही चाहिए और इज्जत करनी भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। तो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो अब ये बातें सोच रहे थे मतलब कि जो वो पत्नी की इज्जत करते थे और इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, और यही एक सभ्यता है, हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और अगर पति पत्नी एक दूसरे के ना हुए, दोनों की एक दूसरे ने इज्जत ना की, उन तो फिर वो पति ही फिर कैसा, तो वैसे तो घर चलेगा नहीं। तो इसीलिए वो ये सब सोच कर चुप रहे कि, तो अंदर से वो एक दूसरी बात भी सोच रहे थे कि अगर मैं अभी कुछ बोल भी देता हूँ इस लोटे के बारे में या उसको डांट भी देता हूँ तो अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर रात को मुझे बाल्टी में अगर भोजन मिलेगा तब मैं क्या करूँगा। तो ये सोचकर वैसे ही वो बहुत परेशान था झावला, तो वो चुप रहा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े ना पानी पिया करो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब क्या हुआ कि वो गुस्सा तो पी गया, उसको गुस्सा तो आ ही रहा था उस लोटे को देखकर, तो उसने क्या किया, चुपचाप पानी वो पीने लगा। तो उस समय वो छत के किनारे, जो मुंडे ना किनारा जो होता है छत के, उस पर खड़े होकर पानी पीते थे। तो उस समय ये बातें याद आ रही थी कि जब जो बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग के नियमों का अगर वो मान लेता तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से वो बच जाता। जिन बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि मतलब खड़े खड़े पानी मत पिया करो, सोते समय पानी ना मत पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, अगर उन्होंने ये भी एक नियम बना दिया होता कि छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पिया करो, तो क्या होता, जो झावलाल है वो बहुत बड़ी परेशानी से या कठिनाई से बच जाता। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर उन बुजुर्गों ने कुछ भी नियम नहीं बनाया था। तो लाला झावलाल मुश्किल से दो या एक घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब क्या हुआ, जो झावलाल था वो एक दो करके घूंट पानी पी रहा था। अगर शायद कोई बुजुर्ग उसमें नियम बनाता कि छत के किनारे मुंडेर पर खड़े होकर पानी मत पियो, तो शायद जो झावला था वो नहीं पीता, किंतु ऐसा कुछ नियम नहीं बनाने के कारण वो छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहा था और एक दो घूंट पीते ही क्या हुआ, उसका हाथ हिला और जो लोटा है वो गिर गया। तो उसका मकान कहाँ पर था, ठठेरी बाजार में था। बाजार मतलब नीचे पूरा बाजार लगा हुआ था और ऊपर से 3 मंजिल के ऊपर से क्या हुआ, जो लोटा है वो उसके हाथ से छूट गया। छूटते ही क्या हुआ, लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। फिर क्या हुआ, जो लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वो नीचे सीधा गली की ओर चल पड़ा और वो इतनी तेजी से गया जैसे कि आकाश से कोई टूटा हुआ जब तारा गिरता है ना तो कितने स्पीड से गिरता है, तो ठीक उसी तरीके से वो जो लोटा था वो उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से नीचे गिरा और झावलाल की आंखों से वो ओझल हो गया, गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन के नाम की किसी खुराफती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। तो जो जिस स्पीड से नीचे गिरा, तो बोले कि किसी ज़माने में न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मतलब खोज निकाला था, तो उस आकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति ने भी लोटे को इस तरीके से अपनी ओर खींचा कि वो एकदम पूरे जोर के साथ वो नीचे जमीन की ओर जाने लगा। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी और वो जिस तेजी से लोटा नीचे जा रहा था, तो वो न्यूटन का भी जो लॉ है वो पूरी जो शक्ति थी उस लोटे को अपनी ओर खींच रही थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। तो लाटा जो झावलाल था उसको तो लगा कि ये 3 मंजिल से इतनी ऊंची से जो ये जो लोटा गिरा ये कोई हंसी खेल का नहीं है, तो
तो वो इतना डर गया था, इतना सुन्न पड़ गया था कि अगर उस समय लाला को अगर काट भी देते तो उसके बदन से खून नहीं निकलता, क्योंकि उसका खून जो था डर के मारे जम गया था। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। इसका मतलब कि वो जो लोटा जिसके ऊपर गिरेगा या जिसके झोपड़े पर गिरेगा वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और वो काशीवास जहाँ पे लोगों काशी वो जगह जहाँ पे लोगों को जिनका मतलब क्रियाकरण किया जाता है मरने के बाद, तो वैसा वो संदेश लेकर उस घर पे जाएगा, मतलब किसी को किसी की मृत्यु होना निश्चित है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।